नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, यहां 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके लिए आपको जरूरत होगी एक प्रमाण पत्र की, एक सर्टिफिकेट की, जो कि आपकी आय परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र होगा। तो यहां मैं उसका नमूना आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार का फॉर्म है और आपको उसमें क्या क्या फिल करना है और ये इसको बनवाने के जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, क्योंकि इसके बिना आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा किसी भी भर्ती में। सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि सरकार ने आरक्षण दिया। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो पुरानी भर्ती थी, सरकार इस पे भी एग्री हो रही है कि उन भर्तियों में भी यह आरक्षण और दिया जाएगा। यानी कि जो फॉर्म फिल आप कर चुके हैं, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, वहां भी एक बार प्रोसेस को रिवाइज करके आरक्षण के स्तर पर, और वो आपको बेनिफिट मिल सकता है। काफी अच्छे बड़े बड़े स्टेट्स ने इसे लागू कर दिया है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यानी कि जो बड़े स्टेट हैं उन्हें उसमें ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण था ये लागू कर दिया गया है। तो यहां देखते हैं कि फॉर्म कैसा है और आपको क्या क्या उसमें फिल करना है और सर्टिफिकेट किस तरह बनवाना है। देखिए, ये फॉर्म यहाँ खुला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, ठीक है। ये प्रारूप है, एनेक्सर 3 है और यहाँ आपकी फोटो लग जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये फॉर्म तो राजस्थान वाला है, लेकिन जो भी अदर स्टेट है वो अपना स्टेट इसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर्म में ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर इतना हो सकता है कि जहां हिंदी नहीं चलती वहां फॉर्म इंग्लिश में होगा, जहां हिंदी चलती है वहां फॉर्म हिंदी में होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा। तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पटवारी इस पर रिपोर्ट करेगा, नाम कहीं लेखपाल हो सकता है, कहीं कुछ और हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस सेम है, जारी करने वाले सेम है, बस आपको इसको बनवाना है जैसे और सर्टिफिकेट बन रहे थे इसी प्रकार। अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या प्रोसेस है। तो यहां आपको अपना नाम आदि लिखना है, जैसे कि नीचे दिया हुआ है सेवा में, यहां आप अपना लिख देंगे जिसके नाम आप इसको दे रहे हैं, यानी कि जिससे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको यहां फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेम, कैटेगरी एंड उसका ऑफिस, ठीक। अब इसमें और नीचे चलते हैं तो यहां लिखा हुआ है, देखिए आप, महोदय मैं निवेदन करता हूं कि मुझे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करवाने का कष्ट करावे। मेरे द्वारा निम्न प्रकार की सूचनाएं प्रेषित हैं। अब आपको सूचनाएं क्या क्या देनी है वो भी आप एक बार देख ले। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी आपके आधार कार्ड की, तो ये आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर आप यहाँ फिल कर दें, ठीक है। फिर आपका जो नाम पता, यानी कि आपका पूरा नाम यहाँ आप लिखेंगे, इंग्लिश में है तो आप कैपिटल्स यूज करें और बाकी हिंदी में है तो आप उसे अच्छा मोटे मोटे शब्दों में साफ स्पष्ट लिखें, ताकि आपके सर्टिफिकेट में वही नाम अंकित हो सके, वरना गड़बड़ हो जाएगी तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, कर्षण कराते फिरना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ जो है जन्म तिथि आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। जन्म स्थान पूछा गया है, आपकी उम्र के बारे में पूछा गया है, निवास स्थान का पूर्ण पता भरें, पता अच्छी तरह भरें, स्पष्ट भरें, ताकि कोई पत्र व्यवहार हो तो आपसे बड़ी आसानी से किया जा सके, ठीक है ना। नीचे वही पता, स्थायी पता, आपके फोन नंबर और मोबाइल नंबर तक की डिटेल आपके 3 नंबर बिंदु में मांगी गई है। अब बात करते हैं अपन चौथे नंबर बिंदु की। तो आपका चौथे नंबर बिंदु जो है, यहाँ आपका धर्म पूछा गया है, आपकी जाति पूछी गई है, उपजाति पूछी गई है। यहाँ एक बात याद रखें, आप ये देख रहे कि वो जो कैटेगरी आपकी है उसमें आपकी जाति कौन सी है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वो जाति आपको लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए आप सैनी है तो सैनी भी होता है, माली भी होता है, आप सोनी है तो स्वर्णकार भी होता है और सोनी भी होता है, और सुनार भी होता है, सोनार भी होता है। आप छत्री है तो उसमें छत्री भी लिखा जाता है, राजपूत भी लिखा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी होती है, वो आपको ढंग से इसमें लिखना पड़ेगा ताकि आपको सर्टिफिकेट बनवाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब बात करते हैं बिंदु संख्या 5 की। तो 5 में क्या आवेदक की जाति भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति में किसी भी जाति में सम्मिलित है या नहीं, हाँ या नहीं, यदि है तो कौन सी जाति का नाम लिखें। तो वो जाति का नाम आपको लिखना पड़ेगा उस गजट के अनुसार, ठीक है ना। 6 नंबर बिंदु पर आपका लिंग पूछ रहा है, महिला है आप या पुरुष है, वैवाहिक स्थिति पूछी है, आप विवाहित हैं अथवा नहीं, ठीक है ना। 7 नंबर बिंदु की बात करें अपन तो पिता का नाम, 8 की बात करें तो माता का नाम, 9 पे पति का नाम, 10 में पत्नी का नाम और 11 में माता पिता पति की जो है परिस्थिति, क्या क्या स्थितियां हैं, ठीक है ना।
अब अपन चलते हैं नीचे, संवैधानिक पद, पिता माता, ठीक है ना, पद का नाम क्या करते हैं वो, ये सब आपको जानकारी देनी है 11 नंबर में, ठीक है। अगला बिंदु है सरकारी सेवाएं, कि किस सेवा में है, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा, पद का नाम लिखें, विभाग का नाम लिखें, वेतनमान लिखें, वर्गीकरण सहित अगर कोई है तो, और प्रथम नियुक्ति की तारीख आप लिख सकते हैं, किन की, जिनके नाम से आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। सर्टिफिकेट आपका बनेगा लेकिन आय प्रमाण पत्र किसका बनेगा, जैसे आपके फादर का, ठीक है ना, तो यहां वो डिटेल्स भरनी है। इसका जो बिंदु 2 है उसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन, उदाहरण संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि में नियोजन है ना, संगठन का नाम लिखना है, पद का नाम लिखना है, वेतनमान लिखना है ना, और सेवा की कालावधि यानी कब से कब तक उन्होंने वहां सेवा दी है, ये अपने को वहां डिटेल देनी पड़ेगी। अब बात तीसरा वही है, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में नियोजन, यानी कि कुल मिला के ये आपको बिंदु संख्या 4, 5, 6 में सभी में व्यवसाय संबंधी और इनकम संबंधी जानकारी ही आपको यहाँ देनी होंगी, केवल इसी के आधार पर आपका सर्टिफिकेट बनना है। अब यहाँ लिखा है मोटे मोटे ब्लैक अक्षरों में कुल आय वार्षिक रुपयों में, तो ईयरली जो इनकम है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, टोटल कितनी है भाई। अलग अलग कैटेगरी दी है, गवर्नमेंट सेवा में है तो उसके आधार पर भरना है, किसी संगठन में है तो उसके आधार पर भरना है, किसी प्राइवेट जॉब में तो उसके आधार पर भरना है, शॉपकीपर तो उसके आधार पर भरना है, लेकिन किसी भी सेक्टर में हो आपको यहाँ कंप्लीट ईयरली इनकम तो यहाँ नीचे शो करनी होगी, ठीक है। अब अपन आते हैं बिंदु संख्या घ पर, अन्य कोई अनियुक्तियां, ठीक है ना, यानी कि अन्य कोई अनियुक्तियां, कोई पैरा है तो वो यहाँ बताया गया है कि मैं प्रमाणित करता हूं, यानी ये आपका घोषणा पत्र है जिसमें आपके यहाँ साइन होने हैं, मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विशिष्टियों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित सभी मापदंड को पूरा करता हूं तथा आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या गलत पाए जाने की दिशा में अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूं कि अभियुक्त की नियुक्ति एवं प्रवेश रद्दीकरण होगा, यानी कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना है तो भी आपके काम आएगा, कोई आपकी नियुक्ति होनी है तो भी आपके काम आएगा, पर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा जो विधि के नियमों के उपबंध की जावे, ठीक है। नीचे आपके साइन हो जाएंगे, बाकी नीचे जो डिटेल्स लिखी गई है उनको भी एक बार आपको मेरे ख्याल से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फोटो वगैरह आपको चिपकानी है तो सही चिपकाएं, सिस्टम से चिपकाएं, कॉलर बंद होना चाहिए अच्छी तरीके से, और अच्छा फोटो आपको लेना है ताकि आपका चेहरा, आंखें और चिन्ह स्पष्ट नजर आने चाहिए, ठीक है ना, दोनों कान भी फोटो में स्पष्ट नजर आने चाहिए, कई बार साइड पोज खिंचवाते हैं तो दिक्कत होती है, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर अपन पूछते हैं फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ या फिर हो जाता है वो डिले, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए खास करके फोटो में विशेष ध्यान रखना है, और जो डिटेल्स भरे उनको सही भरे ताकि प्रमाण पत्र में वो सही अंकित हो सके, वहां गलत हो गई तो आपको पसीने आ जाएंगे करेक्शन कराने में, ये बात ध्यान रखना, काम बिगड़ जाएगा सो अलग। फिर नीचे इसमें जो दिया है वो देखिए, पटवारी की रिपोर्ट, यहाँ आपके पटवारी जो है आपके हलके का वो रिपोर्ट करेगा, किसी और स्टेट में पटवारी को क्या कहते हैं, जैसे लेखपाल कहीं कहते हैं यूपी में तो वो यूपी में लेखपाल इस पर रिपोर्ट करेगा, राजस्थान में कहीं पटवारी कहते हैं तो पटवारी इस पर रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ उसकी रिपोर्ट होने के बाद आपको इसको सौंप देना है अपने तहसीलदार के ऑफिस में जहां अन्य सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक है ना, तो ये सारा प्रोसेस है। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, वो विशेष ध्यान रखें, एक्चुअल में सरकार ने एक थोड़ी सी गलती ये की है कि उसमें आपकी इनकम में माता पिता के साथ भाई बहन वगैरह को भी शामिल कर लिया आपकी यूनिट में, अब उनकी इनकम होती है तो ऐसे में आपकी इनकम और बढ़ जाती है, क्योंकि इनकम तो टोटल लिखनी है फैमिली की आपको, ठीक है, ऐसे में आपका सर्टिफिकेट बनने में परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ भी एक लैकुना चल रहा है, हो सकता है वो थोड़े टाइम बाद क्लियर हो जाए, जैसा कि अन्य जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं उसमें होगा। एक्चुअली है ये भी सर्टिफिकेट ही और आरक्षण का ही इसमें आधार रखा गया है, लेकिन थोड़े से नियम चूंकि नए बने हैं तो अभी करेक्शन होंगे, तो बाद में भी इसमें और करेक्शन हो सकते हैं। अब रही बात स्टेट्स की, तो किसी स्टेट में इसको 6 महीने के लिए वैलिड किया गया है, किसी स्टेट को इसमें जो है साल भर के लिए वैलिड किया गया है। अब मेरे एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि इसको जो है साल 6 महीने के लिए वैलिड क्यों किया गया है, जबकि नियम अनुसार इसे अगर आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए वैलिड कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में हर बजट में सरकार अब इसकी कैटेगरी चेंज करती रहती है और छूट को बढ़ाती रहती है, तो ऐसे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इसको चेंज करने से बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को मिल पाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे जाने की बात है, बाकी तो इसमें फॉर्म भरना है आपको और आपको जो है सर्टिफिकेट बनवाना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, इस संबंध में कोई और क्वायरी करनी है तो भी आप पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप इसको इसमें लिख सकते हैं जो आगे तक भी पहुंचाई जा सकेगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।